हेलो एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ वेरिएंट्स एक्सप्लेन्ड। इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे टाटा हैरियर 2023 के वेरिएंट्स। देखिए, नेक्सॉन की तरह टाटा ने हैरियर के साथ भी एक पर्सोना बेस्ड अप्रोच ट्राई किया है, यानी हर एक वेरिएंट का एक अपना ही लुक है, इंटीरियर फील है। अब इस केस में कौन सा सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, कौन से वेरिएंट्स को कम्प्लीटली स्किप कर देना है, आइए समझते हैं आप जुड़े का देखो के साथ। माय नेम इज अरुण। Let's begin as always with the basics and with the color options. Harrier के base smart और pure personas में सिर्फ white और grey colors available है। जो adventure persona है उसका signature color है seaweed green और fearless persona का hero color है sunlit yellow। इसके अलावा इन दोनों variants में white, grey और red body colors का option आपको देखने मिलेगा। अब discuss करते हैं engine options के बारे में। एक्चुअली इंजन ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ एक इंजन आपको मिल रहा है। अभी तक टाटा मोटर्स ने पेट्रोल इंजन इंट्रोड्यूस नहीं किया है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक 2 लीटर डीजल इंजन मिलेगा विद 170 हॉर्स पावर एंड 350 Nm। 6 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन सभी वेरिएंट्स में है, लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक चाहते हैं तो वो बेस पर्सोना में अवेलेबल नहीं है। प्योर और एडवेंचर के प्लस वर्जन्स में अवेलेबल है और फ्यूलेस में अवेलेबल है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको ऑप्शन प्लस ए और एस का फंडा समझा देता हूँ। देखिए, जो ऑप्शन वर्जन है वो आपको मिलेगा सिर्फ स्मार्ट और प्योर पर्सोना में। यहाँ पर फोकस है बेहतर लुक्स देने में और कुछ फंक्शनल फीचर एडिशंस भी है। प्लस यानी थोड़े बेहतर फीचर्स, ए फॉर एडास एंड एस ऑब्वियसली फॉर सनरूफ। विद दिस आउट ऑफ द वे, चलिए देखते हैं हैरियर के बेस पर्सोना यानी स्मार्ट पर्सोना में आपको क्या मिलता है। हैरियर का बेस वेरिएंट पहले जितना बेसिक बिल्कुल नहीं लगता। देखिए, बॉडी कलर्ड बम्पर्स है, बॉडी कलर्ड मिरर्स है, डोर हैंडल्स भी पेंटेड मिल जाते हैं और अब स्टील व्हील्स नहीं मिलते। इसी वेरिएंट से आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जो पहले जो फर्स्ट हैरियर आई थी उसके टॉप एंड वर्जन में मिलते थे। यहाँ पर आपको डे टाइम रनिंग लैंप्स मिलते हैं बोथ एट द फ्रंट एंड एट द रियर। अगर आप ऑप्शन वेरिएंट चुनते हैं तो आपको एंड टू एंड लाइटिंग मिलती है, यानी फ्रंट और रियर में सेंट्रल पोर्शंस में लाइटिंग अवेलेबल है और इसके साथ रूफ रेल्स भी ऐड हो जाते हैं। स्मार्ट पर्सोना का इंटीरियर काफी क्लासी है। ग्रे, ब्लैक और व्हाइट का इस्तेमाल टाटा मोटर्स ने किया है। सीट्स पर फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है और फ्रंट और रियर ऑक्यूपेंट्स दोनों को एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। अगर आप स्मार्ट ऑप्शन वेरिएंट चुनते हैं तो आपको एक फ्रंट सेंट्रल आर्मरेस्ट भी मिल जाता है। यहाँ आप टाटा का नया 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील नोटिस करेंगे विथ एन इल्यूमिनेटेड लोगो ऑन द हॉर्न पैड। फंक्शनल फीचर्स की बात करें तो इसी वेरिएंट में आपको सेंट्रल लॉकिंग, ऑल 4 पावर विंडोज, टिल्ट टेलीस्कोपिक एडजस्ट स्टीयरिंग व्हील, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा रियर सीट में 60-40 स्प्लिट भी इसी वेरिएंट ऑनवर्ड्स अवेलेबल है। अगर आप स्मार्ट ऑप्शन वेरिएंट चुनते हैं तो एडिशनली पावर्ड मिरर्स भी मिल जाएंगे। इंफोटेनमेंट की बात करें तो यहां पर कोई भी म्यूजिक सिस्टम आपको नहीं मिलता है, स्पीकर्स भी मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ, आपके फोन्स को चार्ज करने आगे एक टाइप ए और एक टाइप सी यूएसबी सॉकेट दिया गया है। ऑप्शन वेरिएंट में आपको यही टाइप ए और टाइप सी सॉकेट रियर में भी देखने मिलेंगे, यानी टोटल 4 यूएसबी पोर्ट्स आपको गाड़ी में मिल जाएंगे। अब आप स्मार्ट चुने या स्मार्ट ऑप्शन, दोनों में सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जिसमें एक 7 इंच का डिस्प्ले मिलता है। यही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको पहले हैरियर के एब्सोल्यूट टॉप एंड मॉडल यानी रेड डार्क मॉडल में मिलता था, अब बेस मॉडल में मिल रहा है। सेफ्टी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हैरियर के बेस पर्सोना में ही 6 एयरबैग्स, ABS with EBD, ISOFIX child seat mounts, electronic stability control, traction control, hill hold जैसे फीचर्स दिए गए हैं। अगर आप स्मार्ट ऑप्शन वेरिएंट चुनते हैं तो एडिशनली टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ऐड हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखें कि इस वेरिएंट में रियर डिस्क ब्रेक्स नहीं मिलते और यहाँ पर टाटा मोटर्स सरप्राइजिंगली एक स्पेयर व्हील भी प्रोवाइड नहीं करता। देखा जाए तो इसका बेस वेरिएंट काफी वेल इक्विप्ड है। अगर आप एक बेसिक लेकिन बड़ी SUV चाहते हैं जिसमें अच्छा खासा स्पेस हो, आपके बेसिक फीचर्स कवर्ड हो, तब आप हैरियर का स्मार्ट वर्जन कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, 40-50 हज़ार रुपए खर्च करने होंगे फॉर अ डिसेंट टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर्स एंड अ कैमरा, लेकिन इसके बाद आपको ऐसा कुछ मिसिंग नहीं लगेगा फॉर योर एवरीडे ड्राइव्स। हैरियर का अगला पर्सोना है प्योर
और अगर आप स्मार्ट और प्योर के लुक्स को कंपेयर करें तो एक्सटीरियर से डिफरेंस बता पाना बहुत मुश्किल है। सिर्फ एक विजुअल डिफरेंस है, बहुत माइनर विजुअल डिफरेंस है, और वो है शार्क फिन एंटेना। प्योर ऑप्शन और प्लस वर्जन्स में आपको वही कनेक्टेड लाइटिंग मिल जाती है बोथ एट द फ्रंट एंड एट द रियर। और एक एडिशन है रियर वॉशर वाइपर का, विच ऑनेस्टली शुड हैव बीन अ स्टैंडर्ड फीचर फॉर अ 15 लाख रुपी का। ऑफ कोर्स प्योर प्लस एस वर्जन में एस फॉर सनरूफ, आपको एक पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगा विद ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स एंड वाइपर्स। प्योर और प्योर ऑप्शन दोनों का इंटीरियर एक्सपीरियंस एग्जैक्टली सेम है एज द स्मार्ट वर्जन। हाँ, अगर आप प्योर प्लस वर्जन चुनते हैं वहां पर आपको एक लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। फंक्शनल फीचर्स की बात करें, अगेन प्योर और प्योर ऑप्शन में कोई भी एडिशंस नहीं है। हाँ, प्लस वर्जन्स में आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाएगा, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मिलेगा और क्रूज कंट्रोल भी। कंपेयर टू द स्मार्ट पर्सोना, प्योर पर्सोना में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है इंफरटेनमेंट के मामले में। यहाँ पर आप एक 10.25 इंच का क्रिस्प स्क्रीन नोटिस करेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जगह। ग्राफिक्स शानदार है और जो इसका ओवरऑल फील है वो डेफिनेटली प्रीमियम है। आपको और एक 10.25 इंच स्क्रीन मिलता है एज योर टच स्क्रीन। इसके साथ वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कापले मिलता है और रिवर्स कैमरा का फीड भी आप इसी स्क्रीन पर देख पाएंगे। इसके अलावा आपको एक 6 स्पीकर म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स भी। आगे एक 45 वॉट का टाइप सी यूएसबी चार्जर भी टाटा मोटर्स इस वेरिएंट में प्रोवाइड कर रहा है। सेफ्टी फीचर्स में एक एडिशन है TPMS का, वो भी सिर्फ ऑप्शन और प्लस मॉडल्स में। और अगर आप प्लस मॉडल चुनते हैं तो वहां पर एडिशनली ड्राइव मोड्स और टेरेन रिस्पॉन्स मोड्स भी मिल जाते हैं। ओवरऑल प्योर इज द रियल बेस वेरिएंट ऑफ द टाटा हैरियर। यहां पर सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है प्योर ऑप्शन वर्जन। अब जो प्योर ऑप्शन से प्योर प्लस का प्राइस गैप है उसे जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। सिमिलरली प्योर प्लस एस वर्जन भी ओवर प्राइस्ड ही लगता है। इस प्योर प्लस एस वर्जन को तब ही कंसिडर करें जब जो अगला वेरिएंट है जिसमें सनरूफ मिलता है वहां तक बजट बढ़ाना इम्पॉसिबल है। अदरवाइज प्योर प्लस एस वेरिएंट को भी स्किप ही कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं वन बिलो टॉप वर्जन यानी एडवेंचर पर्सोना में क्या अवेलेबल है। सबसे पहले बात करते हैं एडवेंचर पर्सोना के लुक्स के बारे में। विजुअली बहुत ही कम डिफरेंसेस हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको फ्रंट LED फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं। अलॉय व्हील्स जो हैं वो अब भी 17 इंच के हैं लेकिन उस पर डायमंड कट फिनिश है। और फाइनली एंड टू एंड लाइटिंग इज अ स्टैंडर्ड फीचर इन दिस पर्सोना। अगर यहाँ पर आप एडवेंचर प्लस वर्जन चुनते हैं तो वहाँ पर और एक विजुअल डिफरेंस है, जो व्हील साइज है वो 17 इंच से बढ़कर 18 इंच हो जाता है। इंटीरियर में ब्लैक और ब्राउन कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल हुआ है। सीट्स पर और स्टीयरिंग व्हील पर लेदरेट अपहोल्स्ट्री आपको मिल जाएगी। इसी के साथ एम्बियंट मूड लाइटिंग भी इस वेरिएंट ऑनवर्ड्स अवेलेबल है। फंक्शनल फीचर्स की बात करें तो ड्राइवर सीट में मैनुअल लंबार एडजस्टमेंट मिल जाता है, फ्रंट आर्मरेस्ट में एक कूलिंग फंक्शन मिल जाता है और रियर ऑक्यूपेंट्स के लिए एक रियर सनशेड दिया गया है। अगर आप प्लस वर्जन चुनते हैं तो वहां पर दो एडिशनल फीचर्स है, विच इज अ वायरलेस चार्जर एंड एन एयर प्योरीफायर। इंफोटेनमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है कंपेयर टू द प्योर वर्जन। आपको सेम टच स्क्रीन, सेम म्यूजिक सिस्टम और सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहां देखने मिलेगा। एक माइनर सेफ्टी फीचर एडिशन है रियर डीफॉगर का, लेकिन अगर आप प्लस वेरिएंट के तरफ जाते हैं तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, रियर डिस्क ब्रेक दिया गया है और 360 डिग्री कैमरा भी अवेलेबल है। इसके अलावा फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी यहां पर अवेलेबल है। अगर आप और सेफ्टी चाहते हैं, ADAS एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपको मिलेगा एडवेंचर प्लस ए वेरिएंट में। यहाँ पर ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग और एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स अवेलेबल है। लेकिन याद रखें, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल सिर्फ ऑटोमेटिक वर्जन में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप प्योर प्लस वेरिएंट से एडवेंचर वेरिएंट पे जंप करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्राइस डिफरेंस जो है वो है लगभग 1.5 लाख रुपए का। बेहतर अलॉय व्हील्स, बेहतर इंटीरियर एक्सपीरियंस, मूड लाइटिंग वगैरह के हिसाब से ये प्राइस प्रीमियम जस्टिफाइड है, बट जस्ट अबाउट। अगर ये प्राइस डिफरेंस 1.1-1.2 लाख के करीब होता तो और बेहतर होता। एडवेंचर से एडवेंचर प्लस का प्राइस डिफरेंस है करीब 1.5 लाख रुपए का। अगेन फीचर एडिशंस के हिसाब से इट इज जस्टिफाइड। ADAS के लिए टाटा मोटर्स 1 लाख रुपए का प्राइस प्रीमियम मांग रहा है, विच इन माई बुक्स इज एक्सेप्टेबल फॉर द फीचर्स दैट आर ऑन ऑफर। डार्क वेरिएंट के लिए भी जो प्राइस प्रीमियम है दैट इज एक्सेप्टेबल। चलिए अब बढ़ते हैं टॉप मॉडल के तरफ, फियरलेस पर्सोना के तरफ। लेट्स सी व्हाट यू गेट देयर।
फियरलेस पर्सोना के लुक्स की बात करें तो कंपेयर टू द एडवेंचर आपको एज सच कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पर फ्रंट और रियर लाइट्स में वेलकम और गुड बाय एनिमेशन मिल जाएगा, फ्रंट फॉग लैम्प्स में कॉर्नरिंग फंक्शन मिल जाएगा और रियर फॉग लैम्प्स भी अवेलेबल है। और एक बात, इस वर्जन में सनरूफ इज अ स्टैंडर्ड फीचर। अगर आप इस वर्जन का डार्क एडिशन चुनते हैं वहां पर आपको 18 इंच के नहीं 19 इंच के ब्लैक्ड आउट अलॉय व्हील्स मिलेंगे। इंटीरियर में फोकस है एक्सपीरियंस को और रिच और लग्जूरियस बनाने पर विथ अ लॉट ऑफ फीचर्स। यहाँ पर आपको ऑटो डिमिंग IRVM, पावर्ड ड्राइवर सीट, पावर्ड को ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एयर प्यूरिफायर और सेकेंड रो के लिए कंफर्ट हेडरेस्ट जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। अगर आप प्लस वेरिएंट चुनते हैं वहां पर और एक फीचर एडिशन है विच इज अ पावर्ड टेलगेट। यहां पर सबसे सिग्निफिकेंट चेंज है इंफोटेनमेंट में, जहां पर आपको एक बड़ा 12.3 इंच टचस्क्रीन मिलेगा। इस टचस्क्रीन के साथ भी वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मौजूद है। यहां पर एक 9 स्पीकर साउंड सिस्टम मिलेगा, 4 स्पीकर, 4 ट्वीटर और एक सबवूफर। और एक छोटा स्क्रीन टाटा मोटर्स ऑफर कर रहा है which is in the terrain response mode selector. अगर आप plus variant लेते हैं तो उसका sound system अलग है, आपको एक 10 speaker JBL audio system मिलता है with an additional central speaker और आपको Alexa voice commands भी मिल जाएंगे। सेफ्टी की बात करें तो फियरलेस वेरिएंट में 360 डिग्री कैमरा इज अ स्टैंडर्ड फीचर और हिल डिसेंट कंट्रोल भी आपको मिल जाता है। अगर आप प्लस वेरिएंट चुनते हैं तो आपको ड्राइवर नी एयरबैग एडिशनली मिल जाता है, यानी टोटल 7 एयरबैग मिलते हैं और इसके साथ ADAS भी आपको मिल जाता है। अब इस फियरलेस वर्जन में कोई मस्ट हैव फीचर तो नहीं है, लेकिन 1.3 लाख रुपए के प्राइस प्रीमियम के हिसाब से आपको ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो अगर आप वो लग्जूरियस अप मार्केट एक्सपीरियंस चाहते हैं तब आप इस फियरलेस वर्जन को कंसिडर कर सकते हैं। फियरलेस से फियरलेस प्लस का जो प्राइस डिफरेंस है दैट इज 1.5 लाख रुपीज, जो जस्टिफाई कर पाना थोड़ा मुश्किल जरूर है। कंसिडर दिस ओनली एंड ओनली इफ यू वॉन्ट ADAS। चलिए अब इस वीडियो को रैप अप करते हैं, लेट्स चेक आउट द वेरिएंट वाइज वर्डिक्ट्स। That was the Tata Harrier 2023 Variants Explained. आप इस analysis से सहमत हैं या नहीं मुझे comment section में ज़रूर बताइए। कोई questions or queries or doubts हो please leave them down there. We'll reply to you as soon as we can. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much for watching.